हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामेत क्लासेस। आज आप लोग क्लास 9 के थर्ड वीडियो को देखने जा रहे हैं, जिसमें रैशनल नंबर को दो रैशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करने का मेथड सीखेंगे हम लोग। इसको तीन चार तरीके से करेंगे हम लोग कि किस तरह से दो रैशनल नंबर जो दिया हुआ है उसके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करें। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स और सम क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो सबसे ईजिएस्ट वे है वो ये है, आई विल टेक एग्जाम्पल्स एंड आई विल इलस्ट्रेट हाउ टू फाइंड। तो हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक को पहले लिख रहे हैं, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर। तो वी विल टेक वन एग्जाम्पल। सपोज क्वेश्चन इज फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू। तो ये दो रैशनल नंबर दिया हुआ है जिसके बीच में हम लोग को रैशनल नंबर निकालना है, देखिए पहला मेथड वन बतला रहे हैं हम आपको। मेथड वन में क्या करना है, फर्स्ट रैशनल नंबर वन है, दूसरा रैशनल नंबर आपका क्या है, टू है। वन और टू के बीच में कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में जो टर्मिनेटिंग है उसको लिख दीजिए। जैसे हम लिख दे रहे हैं इसको 1.5, 1.6। तो 1.5 और 1.6 वन और टू के बीच में आता है, तो ये दोनों रैशनल नंबर हो गया। मेथड नंबर टू में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक नंबर लाइन ले लिए, ये नंबर लाइन है आपका। इस नंबर लाइन को ध्यान से देखिए, इस नंबर लाइन पर दो नंबर रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक नंबर वन है और एक नंबर टू है। आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके टू से डिवाइड कर दीजिए। सो ये बीच वाला नंबर मिलेगा, दिस इज़ 1 + 2 / 2 मीन्स व्हाट, लाइक दिस। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 3/2 जो 1.5 के बराबर है। अब इन दोनों को जोड़ करके हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, 3/2 + 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से। तो इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, 2 × 4, 4 + 3, 7, 7/2 × 1/2, तो ये क्या निकल जाएगा, 7/4। इसी तरह से आप इसके बीच का एक नंबर निकाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, एंड सो ऑन। मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और उसको निकालने का अलग अलग तरीका है, अलग तरीके से निकाल सकते हैं। सिंस वी हैव टू फाइंड टू रैशनल नंबर्स, तो एक दिख रहा है आपका ये और एक दिख रहा है आपका ये। अगर आप इसको नहीं निकालना चाहते हैं तो इसको निकालेंगे। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, 1 + 3/2 को ऐड कर लिए और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा देख लीजिए। ये तीन सेक्शंस में है, हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आप सही तरीके से समझ सके। ये पहला हम निकाले थे, ये दूसरा निकाले थे और अब तीसरा निकाल रहा है। तो 1/2, 2 × 2 + 3 कितना आ गया, 5। 5/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, कितना आ जाएगा, 5/4। तो ये तीसरा रैशनल नंबर निकल गया, ये दूसरा पहला था और ये आपका दूसरा था। तो इस तरह से आप तीन रैशनल नंबर निकाल लिए। निकालना तो दो ही था लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप दो क्या इनफाइनाइट निकाल सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। और ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो इस मेथड का एक खास बात है कि वी कैन फाइंड द रैशनल नंबर एंड वी कैन रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर लाइन ऑल्सो एट द सेम टाइम, बेस्ट मैथड। नेक्स्ट वन इज़ वॉट, कि अगर इसी के बीच में और रैशनल नंबर निकालना हो या दो ही रैशनल नंबर निकालना हो लेकिन किसी और मेथड से निकालना हो तब कैसे करते हैं। नाउ सी, लेट अस सी द थर्ड मेथड, मेथड नंबर थ्री में हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है, आपको फार्मूला बताया कि पहला रैशनल नंबर जो होगा A1 वो क्या होगा, B - A / n+1 के बराबर होगा। ये इसको हम लोग डी बोल देते हैं और डी निकालने के बाद हम लोग करते क्या है, पहले रैशनल नंबर में इसको ऐड कर देते हैं या फिर पहले रैशनल नंबर में
ट्वाइस ऑफ ये ऐड कर देते हैं, तो जो रैशनल नंबर होता है जो बीच में निकलता है वो क्या होता है, ए मतलब फर्स्ट नंबर। यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या है, टू है, और बी इज इक्वल टू क्या है, टू। ए इज इक्वल टू वन है और बी इज इक्वल टू क्या है, टू। तो आप क्या निकालेंगे, और एन क्या है, आपको कितना रैशनल नंबर निकालना है, दो है तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, फाइव निकालना है तो फाइव प्लस वन। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू कितना आ गया, टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, तो दिस इज वन बाई थ्री। आप क्या करेंगे, रैशनल नंबर निकालेंगे, पहला रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर। देखिएगा फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे निकालना है, ये बहुत पॉपुलर है ना, डिफरेंट बुक्स में इसके बारे में लिखा हुआ है, और बेसिकली ये जो डेरिवेशन है वो एपी से आता है, जो क्लास टेंथ में पढ़ने वाले हैं और क्लास इलेवंथ में पढ़ने वाले हैं। तो पहला रैशनल नंबर मेरा क्या हो जाएगा, इसको हम Q1 कह देते हैं, पहला रैशनल नंबर, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को, तो दिस इज Q1, Q1 इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो ए प्लस डी का मतलब क्या है, पहला ए क्या है, 1 है, और डी क्या है, 1/3, तो ये कितना जाएगा, 3 + 1 4/3। इसी तरह से आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा रैशनल नंबर Q2 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। तो a प्लस 2d का मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 2 ऑफ 3, तो 3 × 1 = 3 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3 + 2 = 5 5/3। तो इस तरह से आपको रैशनल नंबर मिल रहे हैं जो क्या है, 1 और 2 के बीच में। इसी तरह से फोर्थ मेथड है, मेथड नंबर 2, ये 3 था, ये मेथड 3 था। तो आपके पास हम बहुत सारा सवाल सॉल्व करेंगे आपके सामने, जिसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, और आप चाहते हैं कि उसको किसी खास एक मेथड से सॉल्व किया जाए तो आप ये कह सकते हैं विद द कमेंट्स। तो मेथड नंबर 4 की बात करते हैं, मेथड नंबर 4 क्या है, देख लीजिए, इसी चार मेथड से हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 में क्या करते हैं, 1 को हम लोग लिख देते हैं और 2 को भी लिख देते हैं, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 1/1 और यहाँ पर 2/1, डिनोमिनेटर सेम है। अब हम लोग को निकालना कितना है, 2 रैशनल नंबर निकालना है, इसलिए 2 + 1 = 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये सेपरेशन इसके बीच में, 1 × 3 डिवाइडेड बाई 1 × 3, इस बात का ख्याल रखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 3 / 1 × 3, तो ये आउटपुट क्या जा रहा है आपका, 3/3, और ये आउटपुट क्या जा रहा है, 6/3। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर 3 and 6, तो देयरफॉर द टू रैशनल नंबर्स आर एज फॉलो, द टू रैशनल नंबर्स आर एज फॉलो। क्या क्या लिखेंगे, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4/3, और क्या आता है, 5, 5/3, ये दोनों नंबर हो गया, और ये किसके बीच में है, 3/3 के बीच में है और 6/3 के बीच में है। लेटर ऑन अगर थोड़ा सा और ज़्यादा आप ब्रॉडली इसको डिस्क्राइब कीजिएगा, तो व्हाट यू विल फाइंड, 3/3 = 1 है और ये 4/3 है, ये 5/3 है और ये 6/3 = 2 है। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली 2 रैशनल नंबर्स आपको दिख रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। नाउ विल टेक some extra questions. The questions are as follow. So next question kya hai, find 5 rational number. I hope iski ab avashyakta nahi hai, isko mita diya jaye. Question likhenge hum log yahan par. Question is like this, find 5 rational number between 3/5 and 4/5. तो यहाँ डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो इस सवाल को ऐसे बनाना सबसे अच्छा होता है। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5 से इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाएगा। तो मेथड नंबर 1 से हम बना रहे हैं, मेथड नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं, देख लीजिए, इसके लिए खास मेथड यूज़ कर रहे हैं कि ये मेथड 1 है, मेथड 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे। तो दिस 3/5 कैन बी रिटन, 3/5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.6। और इसी तरह से 4/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.8। तो आपको सोचना क्या है, 0.6 और 0.8 के बीच में ऐसा 5 रैशनल नंबर
जो इस तरह से होगा. देयरफॉर फाइव रैशनल नंबर्स आर, रैशनल नंबर्स आर एज फॉलो. तो पांच रैशनल नंबर को हम लिख रहे हैं आपके लिए. देखिए कैसे, 0.62 ये हो सकता है, ये 0.071 या 0.75, 0.77 ना, या फिर 0.79. इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया. तो इस तरह से पांच रैशनल नंबर लिख रहे हैं मेथड वन से. लेकिन इसके लिए सबसे पॉपुलर और बहुत बेस्ट वे है वो ये है, देख लीजिए, मेथड नंबर 4. तो हम फोर्थ मेथड से बना रहे हैं इसको. इस सवाल को किस मेथड से यूज़ कर रहे हैं? फोर्थ मेथड से. अभी देख लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है और आपको कितना रैशनल नंबर चाहिए? पाँच चाहिए. इसलिए आप क्या करेंगे, 5 + 1 = 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 3/5 कैन बी रिटन, 3/5 कैन बी रिटन 3 × 6 डिवाइडेड बाई 5 × 6. ये क्या आ जाएगा, 18/30. एम आई राइट? आप जो नंबर बना रहे हैं दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट नंबर, मीन्स वॉट, दे आर इक्वल. दूसरा नंबर क्या है आपके पास, 4/5. 4/5 को भी आप क्या लिख रहे हैं, 4 × 6/5 × 6. अभी क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 24 एंड 5 × 6 = 30. अब देख लीजिए, देयरफॉर फाइव रैशनल नंबर्स आर एज फॉलो. 5 रैशनल नंबर्स आर एज फॉलो. अभी आप फाइव रैशनल नंबर्स लिख रहे हैं किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में. तो ये 3/5 हो गया और ये 4/5 हो गया और इसके बीच में आप रैशनल नंबर लिख रहे हैं. तो दीज आर एज फॉलो, 18 के बाद 19 आएगा, 19/30, या फिर 20/30, या फिर 21/30, या फिर 22/30, और फिर 23/30. एग्जैक्टली आप पांच रैशनल नंबर किसके बीच में देख रहे हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में. ये मेथड नंबर 4 से बनाया गया. जैसा कि हम आपको बतला चुके, आपके पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं इस लेक्चर के दौरान. और भी मेथड हो सकते हैं लेकिन हम 4 ही मेथड पर डिस्कशन कर रहे हैं. मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 4 से इस सवाल को बनाया गया. आप मेथड नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हैं और 3 भी यूज़ कर सकते हैं. मेथड नंबर 3 इज़ वेरी पॉपुलर, बहुत सारे बच्चे उसी मेथड से सवाल बनाना चाहते हैं. आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बाई मैथड नंबर 3. नाउ मैथड नंबर 3 इज वॉट, सी, आई एम फाइंडिंग 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. आई मस्ट रिपीट द क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट करेक्टली. सो मैथड नंबर 3, यू सी मैथड नंबर 3, आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन इन ऑर्डर. ऑर्डर कहने का मतलब मैथड 1, मैथड 2, मैथड 3, जो कन्वीनियंस लग रहा है उसके अनुसार से हम आपको बतलाते चले जा रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी. डी कैसे निकालते हैं, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस 1. कितना निकालना है हम लोग को, नंबर 5. तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6. और ऊपर क्या हो जा रहा है, 4/5 माइनस 3/5, और नीचे आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 + 1. तो ये कितना आ जाएगा, लाइक फ्रैक्शंस है तो लाइक फ्रैक्शंस में 1/5 आ जाएगा, और नीचे क्या जा रहा है, 6 आ जा रहा है. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 × 1/6, 6 × 5 = 30, तो 1/30. ये आपका क्या निकल गया, डी निकल गया. अब आप रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहला रैशनल नंबर जिसको हम Q1 बोल रहे हैं, Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, a + d. तो a + d का क्या चक्कर है, देख लीजिए, a का मतलब क्या है, a को आप क्या लिख रहे हैं, 3/5. तो दिस इज 3/5 + 1/30. तो 1/30 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 5 6 = 30, 6 × 3 = 18. तो 18 + 1 आ गया, क्या आ गया, 19/30, जो कि अभी फोर्थ मैथड मैथमेटिक मैथड में आया था. अब Q2 निकाल रहे हैं, Q2 कैसे आएगा, a + 2d से. तो आप क्या करने वाले, अब ये आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, 3/5 + 2/30. ध्यान रखें इसको काटना नहीं है, काटने से मामला गड़बड़ हो सकता है इस तरह से कि आपको कुछ और वैल्यू दिखने लगेगा जो कि आपको पसंद नहीं होगा. तो यहाँ पर क्या हो गया, एलसीएम फिर से 30 और ये 18 आएगा, 18 में आप 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 20/30.
इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्वाइट नेचुरल यही आएगा। देखिए कैसे 6 आ गया, 30 एलसीएम आ गया, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20। इसी तरह से आप Q3 निकाल सकते हैं, Q3 क्या आ जाएगा, a प्लस 3d। जो इसमें आंसर आ रहा है, जो रैशनल नंबर आ रहा है, वही मेथड नंबर 4 में भी आ रहा था। तो 3/5 प्लस 3/30, तो इस बार देख लीजिए यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, तो क्वाइट नेचुरल ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21/30। इसी तरह से आप पांचवा चौथा निकाल सकते हैं, Q3, Q4, Q4 क्या आ जाएगा, a प्लस 4d, a प्लस 4d में, चूँकि यहाँ पर 1 था तो ये क्या आया 19/30, 2 था तो 20/30, 3 था तो 21/30, तो जब 4 होगा तो क्या हो जाएगा 22/30। और एक और लास्ट, दैट इज़ Q5 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a प्लस 5d को आप ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, 23/30। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो इसको फिर से मैं बताऊँ, इसको चूँकि इसको मैं कर चुका हूँ इसलिए इस बात को, या फिर इसी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, a प्लस 5, a का मतलब कितना है सभी लोग जानते हैं 3/5, और 5d का मतलब क्या हो गया 5 × d, और d इज इक्वल टू 1/30, यह आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 5 से डिवाइड करेंगे 6 × 3 इज इक्वल टू 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23/30। तो इस तरह से आप अलग अलग मेथड से किसी दिए हुए गिवन टू रैशनल नंबर्स के बीच में आप जितना चाहे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, और दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ यूज़ दिस फार्मूला एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द फाइंडिंग ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, इज द बेस्ट वन। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड, प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।